थोड़ी सर्दियों के खात्मे और नए मौसम के लंबे दिनों की आमद की खुशी का एक त्यौहार है, जिसे आग की लू की गर्म जोशी और शक्कर की चाशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल जनवरी के तकरीबन वस्त में 13 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब और कश्मीर समेत कुछ इलाकों में मनाया जाता है। बसंत और बैसाखी की तरह पंजाबी कैलेंडर का ये भी एक अहम त्यौहार है और बहुत से दूसरे त्यौहारों की तरह ये भी मौसम के बदलने और फसल से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी लफ्ज कहाँ से आया और इसका असल मतलब क्या है, इस पर मुहक्किकीन की मुख्तलिफ आरा है। कुछ समझते हैं कि ये लफ्ज लो से निकला है, जिसके मानी रोशनी या आग की गर्माहट है। कुछ का ख्याल है कि ये नाम संत कबीर की बीवी लोई का रखा हुआ है और इसी वजह से मशहूर है। पंजाब में लोहड़ी के लफ्ज के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये लफ्ज तलोहड़ी की इख्तरा है या इससे ही बना है, क्योंकि इस त्यौहार में मीठी चीजों का इस्तेमाल होता है और ज्यादातर वो ही खाई जाती हैं, इसलिए ये लफ्ज भी इसी मुनासबत से। पंजाब में मीठे गुड़ और रेवड़ियों पर अक्सर तिल लगाया जाता है और कभी दोनों को मिलाकर तिलोड़ी कहा जाता है, जो छोटा होता होता लोड़ी बन गया, यानी तिल और रेवड़ी से तिलोड़ी बना और फिर लोड़ी। इस त्यौहार को आग के अलाव के गिर्द मनाया जाता है, जिस तरह कदीम जमानों में भी जश्न आग के अलाव के गिर्द मनाए जाते थे, इसी तरह लोड़ी में भी आग का अलाव एक लाजमी जुज है, क्योंकि उसकी जड़ें पंजाब में हैं, इसलिए इसके साथ गन्ना, शक्कर, गुड़ और गचक या उनसे बनी हुई चीजें भी जुड़ी हुई हैं, जो इस मिट्टी का खासा है। जनवरी में लोहड़ी के साथ ही गन्ने की फसल का जश्न मनाया जाता है और घरों में सरसों का साग और मकई की रोटियां बनती हैं। 13 जनवरी पंजाब कैलेंडर में मौसम सरमा का आखिरी दिन है। पोह का महीना खत्म होने लगा है और अब माघ शुरू हो गया है। ये सर्द मौसम के उरूज और फिर उसके जवाल के आगाज का त्यौहार है। क़याम पाकिस्तान से पहले मशरकी और मगरबी पंजाब के सभी सिख, हिंदू और मुसलमान इस त्यौहार में शरीक होते थे। ये बिल्कुल ही मजहबी नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसमें सभी लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्यार और गर्म जोशी का इजहार करते हैं। इस त्यौहार का आगाज कब हुआ इसके मुतालिक तो हतमी तौर पर मालूम नहीं, लेकिन इसका जिक्र लोक दास्तानों में बहुत आता है। वैसे अब ये पंजाब से निकलकर पूरे शिमाली इंडिया का त्यौहार बन चुका है। जब भी लोहड़ी का जिक्र आता है तो उसका ताल्लुक एक गीत से जुड़ा होता है और वो है दुल्ले भट्टी का गीत। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले ने धी व्याई हो, शेर शकर पाई हो। इस गीत में पिंडी भट्टिया के अब्दुल्ला यानी दुल्ले भट्टी के जिक्र के पीछे एक लोक कहानी है, क्योंकि वो जमाना अकबर का जमाना था और उस वक्त कहा जाता था कि उसके सिपाही आते थे और नौजवान लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, जो कि गरीब किसानों और उस इलाके के मकीनों के लिए एक करबनाक हकीकत थी। इसलिए किसी को तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होना था और जिस पहले शख्स ने वो अलम बगावत बुलंद किया वो दुल्ला भट्टी था। अगरचे दुल्ले वाले गीत में दो बहनों सुंदरी और मुंदरी का ही जिक्र किया गया है, लेकिन ये इशारा है उस वक्त की जबरन उठाई गई लड़कियों की तरफ, जबर के खिलाफ आम लोगों की जंग की तरफ है। एक ये भी रवायत है कि जब सुंदरी और मुंदरी को मुगल बादशाह अकबर के लोगों ने अगवा किया या अगवा करने की कोशिश की तो दुल्ला भट्टी ने उन्हें बचाया। बाद में दुल्ला भट्टी ने उनकी शादी कराई और फिर उसी मौके पर शक्कर दी और दिखाया कि बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। पंजाब के लोग गीतों में दुल्ले के इस अमल का जिक्र किया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार के वक्त क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, इसलिए आग जलाई जाती है। लोग उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, तिल गुड़ और रेवड़ियां, शक्कर और उससे बनी हुई चीजें खाते हैं, तकसीम करते हैं। उसके साथ जब सब इकट्ठे बैठते हैं तो फिर सुंदर मुंदरिये वाले गीत भी गाते हैं और दुल्ले भट्टी और उनकी बहादुरी और फयाजी को भी याद किया जाता है। इसके अलावा और भी सकाफती लोक गीत गाए जाते हैं।